हाय गाइस, दिस इज मनीष कुमार। वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोट्स बाय एमके। तो गाइस, इस चैनल पर आपको यूपीएससी रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीआरडीओ। तो गाइस, डीआरडीओ की पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो मेन एम है वो यही है कि वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया जा सके। और जो हमारे रॉकेट्स और मिसाइल होते हैं इनकी भी जो टेस्टिंग है वो डीआरडीओ ही करता है। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वर्क करता है। करंटली जो इसके चेयरमैन हैं वो हमारे डॉक्टर सतीश रेड्डी जी। अब इसकी हिस्ट्री को कवर करेंगे। डीआरडीओ को 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले दो तीन बॉडीज़ हुआ करती थी, जैसे TDES यानी टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और DTDP यानी डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। और एक और बॉडी हुआ करती थी डिफेंस साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये तीन बॉडीज़ हुआ करती थी, इन तीनों बॉडीज़ को मिलाकर जो है डीआरडीओ में बदल दिया गया। जब डीआरडीओ स्टार्ट किया गया था तब इसकी जो है 10 लेबोरेटरीज हुआ करती थी, पर आज के जो समय में है इसकी 52 लेबोरेटरीज आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं, जैसे एरोनॉटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट व्हीकल्स हो गया, इंजीनियरिंग सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, मिसाइल्स हो गया। इन सभी सेक्टर्स में ये 52 लेबोरेटरीज आपको काम करती हुई नज़र आ जाएंगी। डीआरडीओ के अंदर आपको 5,000 साइंटिस्ट देखने को मिल जाएंगे और जो 25,000 दूसरे साइंटिफिक टेक्निकल सपोर्टिंग पर्सन भी होते हैं इसमें। और काफ़ी सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मिसाइल को बनाना, आर्मामेंट्स, लाइट्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करना और इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम को डेवलप करना। ऐसे ऐसे जो हैं टेक्नोलॉजीज हैं वो डीआरडीओ ऑलरेडी अचीव कर चुका है। और भी काफ़ी सारे वर्क हैं जो डीआरडीओ करता है, जैसे डिज़ाइनिंग हो गया, डेवलपिंग हो गया और वेपन्स का प्रोडक्शन करना हो गया। यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो डिफेंस सर्विसेज को जो है डेवलप करने का काम डीआरडीओ ही करता है। और जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्हें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी देता है डीआरडीओ, ताकि वह जो है अपग्रेड रह सके और कॉम्बैट सिचुएशंस में उन्हें अच्छे से डिफीट कर सके। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और गाइस, एक और आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताना चाहूँगा जो कि अभी करंटली में आई है, मैंने ये द हिंदू से कवर करी थी। तो गाइस, क्या हुआ है कि रिसेंटली क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो डीआरडीओ को अपने जो वेपन्स की टेक्नोलॉजी है और डिफेंस इक्विपमेंट्स के जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं उसको प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को जो है प्रोवाइड कराने को कहा। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए कहा ताकि जो है प्राइवेट डिफेंस सेक्टर हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके और वह भी एक अपना मेजर रोल प्ले कर सके डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो गाइस, ये जो था ये काफ़ी एक बेहतरीन सा स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा। इसका काफ़ी एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के आया हमारे पास जब इंडियन आर्मी ने अपना पहला बैच रिसीव किया हैंड ग्रेनेड्स का प्राइवेट सेक्टर से। यह जो थे ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स थे जो कि रिप्लेस करेंगे ग्रेनेड 36 को। तो गाइस, ग्रेनेड 36 जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से यूज़ करे जाते हैं और आज भी सर्विसेज में है। तो गाइस, ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, आगे जाके और प्राइवेट फर्म्स अगर ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जो है डेवलप करती रही तो आगे जाके टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जिससे हमारी कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। तो गाइस, ये था हमारा टॉपिक डीआरडीओ। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। तो गाइस, दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।